सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पॉस्को और आईटी एक्ट के तहत अपराध है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करता और देखता है तो यह अपराध नहीं, जब तक कि नियत इसे प्रस्तावित करने की ना हो। वहीं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कंटेंट का स्टोरेज, इसे डिलीट ना करना और इसकी शिकायत ना करना बताता है कि इसे प्रस्तावित करने की नियत से स्टोर किया गया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द का इस्तेमाल किया जाए। केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर बदलाव करे, अदालतों में भी इस शब्द का इस्तेमाल ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह केस खारिज करके अपने फैसले में गंभीर गलती की है, हम उसका फैसला रद्द करते हैं और केस को वापस सेशन कोर्ट भेजते हैं। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफी कंटेंट को सिर्फ डाउनलोड करना या फिर देखना पॉस्को एक्ट या आईटी कानून के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला दिया है। दुनिया में पहली बार जे इस तरह से जो बच्चों की अश्लील वीडियोस बना के इंटरनेट पे डाली जाती हैं, देखी जाती हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एनालाइज किया है और उनको एनालाइज करके ये कहा है कि ये एक सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि बच्चों की अश्लील वीडियोस किसी भी तरह की जो वो इंटरनेट पे डाली जाए और वो लोग उसको देखें। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ उसको बच्चों की अश्लील वीडियो को डाउनलोड करके देखना जुर्म है। कोई अगर मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई आगे नहीं भेजता सिर्फ देखता है तो वो जुर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर को कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने जबरदस्त गलती की है। ये ऑर्डर देखी और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर कोई बच्चों की अश्लील वीडियो किसी भी तरह की देखता भी है तो वो गलती, वो जुर्म बनेगा।